99.99 लोग यही बोलते हैं शाबाश। क्या बोलते हैं? शाबाश। क्या बोलते हैं? शाबाश। हमें उन पे ध्यान ही देना जो 0.01 है। हाँ, अगर हमें को कमी है तो उसे जरूर निकालेंगे, अगर हमें नहीं है तो चलते चलेंगे। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आपने ये बुजुर्गों से सुना होगा। जो लोग सिर्फ अपने काम पे नहीं है वो गद्दार है, जो अपने काम को नहीं कर रहे ईमानदारी से वो गद्दार है, जो अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। हमें कोई कुछ भी बोले कि हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन दोस्तों इस छोटी सी लाइन से पता के साथ सुनने से आपको पता चल जाएगा। एक बार की बात है, दो एक व्यक्ति जो सिर्फ नाव चलाता था, क्या चलाता था? नाव चलाता था। वो रोज लोगों को नदी के पार लेके जाता था, नदी के इस तरफ से इस तरफ लेके जाता था। जब वो रोज जाता था तो वहां पे जब एक दिन क्या हुआ कि कोई व्यक्ति आ गया पढ़ा लिखा सूट वूट वाला, एर हाथ में अखबार पकड़ी है, मोबाइल फोन है, टैबलेट है, बड़ी चीज उसने हाथ में पकड़ी है, और वो कह रहा भाई साहब मैंने पार जाना। तो मलाहा बेचारा, वो इतना शरीफ सा आदमी था, उसका एक ही काम था रोजी रोटी कमानी थी, जैसा उसके भाग्य में था वो करता था, जो वो काम करता था उसमें उसको वो आता था। उसने उसको बिठाया और जैसे ही नदी पार करने के लिए चला तो वहां पे एक बंदे ने उसे पूछा, उसे बाबू ने, यार तेरे को पता कि आपका वो कौन है, आपका प्रधान कौन है? उसने कहा बाबू जी मैं जानता तो उसको रामू बोलते लेकिन उसको मेरे पूरा नाम नहीं पता। उसने कहा कि तुम्हें उसका नाम ही पता नहीं तो तू किस बात का बंदा है? वो आगे चला गया, थोड़ा थोड़ा चलते चले वो नदी में। उसने पूछा भाई साहब तेरे को अखबार पढ़ने आती है? बोले बाबूजी अगर अखबार पढ़ने आती होती तो मैं कुछ और होता, मेरे बहुत गरीबी थी मेरे घर में, मेरे फादर मुझे पढ़ा नहीं सकते थे पिताजी, तो मैं पढ़ नहीं पाया तो मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। उसने बोला तेरी जिंदगी में क्या बेकार बंदा, तेरे को अखबार पढ़ने नहीं आती। थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे चले गए वो, उसने पूछा कि यहाँ पे बेस्ट होटल कौन सा है? उसने कहा बाबूजी एक नाम सुना है हमने यहाँ पे, इस नाम का माया नाम का होटल बहुत अच्छा है। तो उसने कहा बाकी होटल वो तो बाबूजी मुझे नहीं पता। बोला यार तेरे को इतना नॉलेज नहीं तो तेरा तो जीवन बेकार है। थोड़ा और आगे गए, उसने फिर से पूछा कि बाबूजी ये, उसने कहा कि यार ये बता कि आपके जो गांव में जो बगल में वो लाल सी बड़ी सी कोठी है जो आपके गाँव के अगले, उसमें वो किसकी है? बोले बाबूजी मेरे को नहीं पता, मैं तो अपना काम करता। बोले वो साले मेरी है वो। बोले क्या? बोले ओए मेरी है, मेरी है। बोले अगर आपकी है? बोले देख तेरा जीवन तो नरक है, तू तो भाई किसी काम करने आता तेरे को कुछ है नहीं तो तेरा जीवन नरक है, तू मर जा। थोड़ा भाई बैड लक क्या हुआ कि नाव में पानी भरने लग पड़ा। क्या भरने लग पड़ा? पानी। क्या भरने लगा भाई? पानी। पानी और पानी भरने लगा और पानी से भरते भरते नाव भर गई। तो उसने पूछा बाबूजी आपको तैरने आता है? बोला जी मेरे को तैरने नहीं आता है। तो बोले बाबूजी बात ऐसे है, मैं मलाह आदमी हूँ, मुझे सिर्फ तैरना आता है और ये नाव यहाँ से वहाँ लेके जाना आती है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, इससे मेरा परिवार चलता है। तो वो बाबू वहाँ पे डूब के मर गया। कहानी की शिक्षा सिंपल है, आप जिस व्हाइल वर्क यू वर्क व्हाइल प्ले यू प्ले इट इज द वे टू हैप्पी एंड गे। आप जिस काम को करो शिद्दत के साथ करो, पकड़ के करो और उसे पूरी ईमानदारी के साथ करो, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम खुद आएंगे। तो वो मलाह वो सिंपल बेचारे ने कुछ नहीं आता था तो क्या फर्क पड़ा उसको? उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो जीवित रहा। जिस बाबू को सब कुछ आता था, सब दुनिया का पूरा ज्ञान था, लेकिन उस बाबू को तैरना नहीं आता था, जो समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसमें सक्षम नहीं है कार्य में, वो अक्सर डूब जाते हैं, वो उस काम में अक्सर फेल हो जाते हैं। तो भाई साहब वही हमारा हाल है, हमें सिर्फ अपना काम करना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। समझ आ गया? यस सर। भारत माता की जय।